ठीक हो जाइए पिताजी, तब तक इस क्लैन की जिम्मेदारी मेरी होगी। उसे इसकी कोई जरूरत नहीं, पर तुम्हें है। तुम ब्रेव हो लार्स, मुझे पता है तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी की आपस में जमती नहीं है, और इस उम्र में अपने पिताजी की जगह लेना हिम्मत का काम है। याद रखना, मैं हर वक्त तुम्हारा सपोर्ट करूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। गार्ड्स, इन्हें एमराल्ड फॉरेस्ट ले चलो ताकि वो जल्दी ठीक हो सके, और मैं चाहता हूं कि उन पर हर समय ध्यान रखा जाए। का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रेट करते हैं। सभी चलो सेलिब्रेट करते हैं। हमारे पास एक नया क्लैन लीडर है। लार्स, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने तुम्हारे पापा के मन में कुछ देखा है। लार्स, क्लैन लीडर्स के साथ हमारी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, दोस्तों के साथ बाद में बात करूं। मैं बस अभी वापस आया, ठीक है? लेकिन ये मेरे मॉम के बारे में। एलिजाबेथ का खून और ड्रैकुला के आंसू से मिलकर बनी 13 रूबीज में स्पेशल पावर थी। क्लैन वॉर्स के दौरान कई सारी रूबीज खो गई थी, सिर्फ कुछ ही क्लैन बच पाए थे। The Lycana, the Nosferas, the Siraj, the Vairaj, or the Vamalia. तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें मीटिंग में होना चाहिए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो मैं एक बच्चा लगता हूँ। लार्स, चलो अभी अपने पापा की जगह ले लो। चलो शुरू करते हैं। लार्स वहाँ क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता। वो सब वोट कर रहे हैं तुम्हारे बहन के विश्वास पर और कैल्विना के डेथ पर। पिताजी मानते हैं कि वो दोनों ड्रैकस लॉ के अनुसार दोषी हैं। तुम्हारे पापा? तुम्हें पता है ना रैगनर तुम्हारे पापा हैं? ड्रैकस लॉ इसकी मान्यता नहीं देती। बस करो फाइनी, क्या तुम उन्हें डराना चाहती हो? मैं तो सच बोल रही हूँ। हाँ हाँ, जैसे सच बोलना तुम्हारा पेशा है, यहाँ से दफा हो जाओ। आ जाओ। नहीं, मैं यही रुक रही हूँ। चलो गाइस, हम सब यहाँ अकेले हैं। तुम्हें पता है ना, यहाँ कोई हेल्प नहीं करेगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या? और तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? हमने जो तुम्हारे साथ किया, तुम दोनों के साथ, वो गलत था। मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं मदद करूंगी। कैसी मदद? हाँ, तुम्हारी माँ को ढूंढने में। प्लीज। मैंने तुम्हारा माइंड रीड कर लिया था। फर्क नहीं पड़ता, बस बताओ तुम उनके बारे में क्या जानती हो? मैंने एक सनलाइट से बना शील्ड देखा। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। जिसकी वजह से वो कैद है। इटर्नल लाइट ही हमें कैद कर सकती है। क्या क्या कहा? हम हेयर्स को उसके आसपास के जंगल के करीब जाने की परमिशन नहीं थी। कहते थे कि वो हॉन्टेड है, पर हम छुपके से अंदर जाते थे। ये कहाँ है? वो उत्तरी जंगलों के अंदर छिपा है। क्या तुम हमें बताओगी?
यहाँ से। एलिसा ने केल्विना को छुड़ाया, जिसने तुम्हारे पिताजी को मारा। उसी ने उनकी जान बचाई है, उसे सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है वो तुम्हें पसंद है, लेकिन बाय लॉ तुम्हें उसे पनिश करना होगा। एलिसा, ऐसा कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा हमारे साथ हो, लेकिन ऐसा हुआ। और तुमने सुना ना, वो शैडो के लिए दोबारा ऐसा करेगी। एलिसा को भी इसके लिए सजा देनी होगी। मुझे भी वोट करने का अधिकार है। मैं चाहता हूँ कि एलिसा को और केल्विना को हमें छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, वो यहाँ नहीं हो सकता। तुम्हें ऐसा कहने का कोई राइट? हाँ, है उसका हक। वो लाइकाना क्लैन का आखिरी इंसान है, वो हमारे बीच बैठने के लायक। कौन? अपने पिताजी की तरह सोचो जरा। मेरे पिताजी ने मुझे चुना है इस क्लैन को लीड करने के लिए। आपको नहीं, तुम हम में से नहीं हो और ना ही तुम लीडर हो, जबकि तुम चाहते हो कि तुम लीडर बनो। सीमोर कोई बाहर का इंसान नहीं है, वो तुम हो और तुम्हारा इस मीटिंग में कोई काम नहीं। समझ आया? क्या तुम ठीक हो? हाँ, हाल ही में वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं उनसे बात करके आती हूँ। से मिलना चाहती हूँ, प्लीज सामने आइए। तुम्हारी इच्छा नहीं चाहती है। अगर वो मुझे नहीं मिली तो, अगर वो मुझे नहीं पहचानेगी तो क्या होगा? अगर वो मुझे देखना ही नहीं चाहती? क्या तुम पागल हो? वो तुमसे बहुत प्यार करती है, ठीक है? हमारा आना शायद अच्छा नहीं लगा। देखो, हम शायद सही रास्ते पर हैं। हाँ, यहाँ से। हमें जम जाने से पहले इसे क्रॉस करना होगा, ओके? माफ करना, लेकिन तुम्हें एक निर्णय लेना ही होगा, और ये निर्णय एलिसा और केल्विना के भविष्य को लेकर है। हम तुम्हारे जमीन पर हैं और हम तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। तुम्हें तुम्हारे कानून के हिसाब से उन्हें सजा देनी होगी। मैं किसी को भी सजा नहीं देना चाहता, ना अभी ना आज। मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। उन्हें तब तक जेल में डाल लो जब तक मैं सोच ना लूं कि उनके साथ क्या करना है। हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं? हमारे पास वहां एक कैदी है। मुझे पिताजी ने कहा था कि वो काफी सालों से बंद है। उन्होंने झूठ कहा। तो फिर उस जेल में कौन है? मैंने पूछा, उस जेल में कौन है? अब मैं यहाँ का क्लैन लीडर हूँ और मेरे पास दो रूबी है जो मेरे गले में लटकी। मुझे उसका इस्तेमाल करने मत लगाइए। एलिना, मेरी बेटी एना, एलिसा की माँ।
अलीसा कहाँ पर है? मुझे उससे बात करनी है। हाँ वो तो जंगल के तरफ गई आईवी और इंदर के साथ। ठीक है। लार्स क्या हुआ बताओ। क्या हम पहुंच गए? हाँ क्या तुम तैयार हो? हाँ मेरी मदद करो। 1, 2, go आज मैं राह देख रही थी कि मुझे कोई खाना देने आएगा। मॉम अलीसा रुको, तुम अंदर नहीं आ सकती। अगर तुमने इसके अंदर आने की कोशिश की तो ये तुम्हें राख बना देगा। ये सूरज की काफी ताकतवर रोशनी से बनाए गए हैं। अलीसा ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया? कोई बात नहीं मॉम, ड्रैकुला के पास बेला और रूबी है। मैं सूरज की किरणें सह सकती हूँ। स्पार्क तुम्हारे पास है? हाँ। तुम दोनों कनेक्टेड हो जैसे मैं भी थी। ये शाप और वरदान भी है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। देखो तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने आपको बहुत मिस किया। उन्होंने क्या किया है? आपको यहाँ बंदी बना दिया। नानी जानती है, हर कोई इस बारे में जानता था। सबने ये जानबूझकर किया है। तुम्हारी नानी, उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। क्यों? वो सब डरे हुए थे। वो अपने वैम्पायर फैमिली को बचाना चाहते थे और उनके क्लाइंट्स को भी। उन्हें ऐसा लगा कि मैं नॉट खोल दूंगी और सबको इंसान बना दूंगी, और उन्हें ऐसा भी लगता था कि मैं सारी चीजें बर्बाद कर दूंगी। मुझसे कहा गया था आप मर चुकी हो। मुझे लगा आप मर गई हो। पूरी जिंदगी मैं बस यही सोचती थी। मैं जानती हूँ बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लीना अलीसा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। जनरल रैग्नर आपसे बात करना चाहते, प्लीज। नहीं, ये सिर्फ इनसे अकेले में बात करना चाहते हैं। क्या तुमने जोआन को देखा? हाँ वो तो अभी यहीं थी। मैं उसे कहीं पर भी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। टैमो कैसा है? क्या वो ठीक है? हाँ वो ठीक है। अब इतना बड़ा हो गया है ना, लेकिन वो बहुत प्यारा है माँ। आपसे मिलकर तो वो रो पड़ेगा। ये आईवी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। हाय। और इंगर ऑफ ड्रैकल्स, मिलके अच्छा लगा। इसके पिता जनरल रैग्नर, उन्होंने मुझे यहाँ कैद रखा था। अब बैरन इसकी देखभाल नहीं करते, उनका बेटा लार्स करता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, ठीक है? क्या हुआ? आ, 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 आ,
क्या हुआ? मेरे डैड कहाँ है? वो रॉयल हट में है, क्या हुआ? पैनी, क्या हुआ? मैंने अभी ड्रैकुला को देखा। मैंने अभी ड्रैकुला को देखा। तुम्हारी इच्छा पूरी की जाती है। आपने मुझसे झूठ बोला। आपने मुझे लीडरशिप देने का वादा किया था। नीचे झुक के बात करो बुद्धू, तुम ड्रैकस क्लैन के राजा बनोगे और बाकी सभी क्लैंस के भी। आखिरकार तुम पूरी दुनिया को बता पाओगे कि तुम्हारे पिताजी गलत थे। उन्होंने तुम्हें चुनना चाहिए था, ना कि तुम्हारे भाई मैगस को। लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। तुम्हें पता है जब ड्रैकुला नॉट खोलेगा तब क्या होगा? सारे ह्यूमंस वैम्पायर्स बनेंगे, उनके शैडोज, मुझे पता है। तब इंसानियत नहीं बचेगी और एल्ड्रेस नहीं चाहेगी कि तुम उसे खोलो, जिससे सभी वैम्पायर्स की लाइफ खत्म हो जाएगी। मतलब जो उसे खोलता है वही डिसीजन लेता है। तो नॉट खोलनी ही क्यों है? उसे वैसे ही क्यों नहीं रहने देते? ये चीज ऐसी नहीं है जिसे तुम रोक सको, ये पहले से तय है। वो नॉर्थन लाइट्स कितने खूबसूरत है, अरोरा बोरियालिस। ग्रीक ऐसा सोचते हैं कि अरोरा सूर्य और चंद्र की बहन थी और वो अपने बहुरंगी रथ में सुबह सुबह आसमान में उठी थी ताकि ये जान सके कि सूरज निकल रहा है। तो शायद वो भी एक वैम्पायर है हमारी तरह। तुम्हारे बाल काटने के लिए सॉरी। तुम ये क्या कर रही हो? आई एम सॉरी कि मैंने अपनी बहन को नहीं रोका और तुम्हें पकड़ ली। तुम ये क्या कर रही हो? तुम चिल्ला रही थी और मैंने तुम्हें जोर से पकड़ा हुआ था। मुझ पर जच रहा है ना? मुझे लगता है लोग किसी नए से डरते हैं, कोई जो अलग हो। पर हम अलग नहीं हैं। क्या ये सच है लार्स? उस जेल में अलिसा की माँ है। अलिसा, लार्स, ये मेरी मॉम है। मॉम, ये लार्स है। मैं जानती हूँ तुम कौन हो। मुझे पता है आप हम ड्रैकस पर भरोसा नहीं करती, पर मैं उन जैसा बिल्कुल नहीं हूं। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हो? हाँ माँ, सच कह रहा है। लार्स को आप कोई सिंहासन पे बैठते हुए नहीं देखना जनरल। लार्स अभी बच्चा है और तुम ये बहुत अच्छी तरह से जानती हो। हो सकता है, लेकिन डेरिन मैगस ठीक होने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता उन्हें अपने बेटे के बारे में सुनना पसंद होगा। हम हमारे बच्चों के लिए क्या करते हैं, राइट? मेरे घर में दो लड़कियां हैं, ना कि एक लड़की। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अगर मैंने आज एक को खोया तो मेरे पास दूसरी है ना, पर तुम्हारे पास नहीं है। माय डार्लिंग रैंगना, तुम मेरे बेटे के साथ क्या करना चाहते हो? मैं खुद उसे मारना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत स्वीट है, इसलिए मुझे तुमसे एक सौदा करना है। तुम्हारी रूबी या बेटी की जिंदगी? चलो यहां से बाहर निकले। चलो मॉम, यहां से चलते हैं। नहीं अलिसा, वो तुम ही हो जिसे नॉट को ढूंढना होगा, ना कि मुझे।
ये हमेशा से तुम ही थी। स्पार्क मेरे अंदर आया ताकि तुम्हें ढूंढ सके। उन्होंने आपको बंदी बनाया क्योंकि आपके पास स्पार्क था। मुझे रुकना होगा। क्या? नहीं, नॉट खोलना ही अब मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हें ही चूज किया गया है। एल्ड्रेस यही मानते हैं कि स्पार्क मेरे पास है। मुझे यहाँ रुकना होगा ताकि वो तुम्हारे पीछे ना आए। बिल्कुल भी नहीं। वहां सबने मेरे हाथ का स्पार्क देख लिया है। वहां वैम्पायर स्कूल में। मुझे सब कुछ बताओ। सभी लोग मेरी बात सुनो, मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मिल्टन, अलीना, क्लॉडियो और सीमोर, मुझे तुम्हारे रूबीज दे दो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना रैगनर? उसके पास मेरा बर्थ रूबी है। मास्टर, मैं आपके पास रूबी लेके जल्द से चला रहा हूँ। मुझे सारे रूबीज दे दो, नहीं तो ये आपकी डेड बॉडी से उन्हें उठा लेंगे। उन्हें वैम्पायर्स बहुत पसंद है। उनसे वैम्पायर्स कभी बच नहीं सकते। डैड, प्लीज प्लीज सनी, ऐसे मत करो। मैंने उनसे कहा है कि सबसे नाजुक लोगों पर पहले अटैक करें। छोटे बच्चे इनसे तो कभी बच नहीं सकते। तो क्या तुम अपने बच्चों को खोना चाहते हो अपने रूबीज बचाने के लिए? बहुत अच्छी बच्ची हो तुम सीमर मेरे दोस्त। उसे अपने रिंग दे दो प्लीज। अपने दोस्तों के बारे में सोचो। तुम्हारी बारी। चलो भाई, वो आ रहे। चुप जाओ। क्या? पर कौन? पता नहीं, बस चुप जाओ। वो आ रहे हैं, सब लोग चुप जाओ। एब्राहम, आना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुप जाओ अभी सब लोग। वो कौन है क्या आप जानते हो? रैगनर, तुम हमें कहाँ लेके जा रहे हो? मेरे अंकल यहाँ आ रहे हैं एल्डर्स के साथ। लगता है कुछ गड़बड़ है। वो हमें यहाँ नहीं ढूंढ सकते। हमें स्पार्क को बचाना होगा। क्या? छुप जाओ, यहाँ पर छुप जाओ। और आप क्या करोगे? जाओ लार्स। जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ कौन है। चलो फैसला कर ही देते। अब जब तुम एलिसा की माँ से मिल चुके हो। रैगनर, मुझे बताओ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पीछे हटो। मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ। तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं मानूंगा। मैं किसी के भी ऑर्डर्स नहीं मानूंगा, कभी नहीं। डाल दो इन सबको जेल में। मुझे ये पसंद है, मुझे ये चाहिए। तो चलो मेरे साथ तुम जल्दी। लार्स,